So hello all, in this video we are going to talk about blood relations, which is very important for competitive exams. There are several questions in competitive exams related to this topic. So before we start this topic, just subscribe this channel and press the bell icon so that you can see the upcoming notifications. So in blood relation, always remember that with circle we are going to represent female. Female, for female we'll be using circle, and for males we'll be using square or rectangle. Males, right? First generation, we'll arrange this with the help of a tree. First generation at the top, then second generation, and then third generation. Brother sister, we will for sister brother we'll use these symbols, dash for sister brother, and for husband wife directly we'll use this for husband wife, right? So let's understand this topic with the help of a question. So question number first, pointing towards a photograph of a boy, Suresh said, "He is the son of the only son of my mother." So Suresh said, so Suresh mother means this girl, right? Lady we are talking about, Suresh mother. So pointing towards a boy, Suresh said, ki, क्या कहता है सुरेश, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, इसकी मम्मी के इकलौते बेटे, तो सुरेश तो लड़का है तो बेटा है, तो मम्मी के इकलौते बेटे का बेटा, अब ये कौन है, खुद सुरेश की बात कर रहा है, सुरेश अपनी मम्मी के इकलौते बेटे का बेटा है, वो लड़का यहाँ पे जो दिया हुआ है लड़का है, इसलिए हम रेक्टेंगल या स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय, अब देखो साफ पता लग रहा है सुरेश कैसे रिलेटेड होगा, सुरेश कौन होगा, इसका फादर होगा, तो ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे हमको ये ट्री बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो ये पजल है, प्लस मींस मदर, ए प्लस बी मींस ए इज द मदर ऑफ बी, सो प्लस मींस मदर, माइनस मींस ब्रदर, परसेंट मींस फादर, एंड मल्टीप्लाई मींस सिस्टर। So in this way there are some relations given. So which one of the following shows that P is the maternal uncle of Q? So P is the maternal uncle. Maternal uncle means his P कौन होगा, इसकी मम्मी का brother. तो maternal uncle of Q. तो ये हमको show करना है. तो option A देखते हैं. Option A क्या है? Q minus N. तो Q minus means Q कौन है? Brother है किसका? Q किसका brother है? N का. N प्लस पी, तो N कौन है, मदर है किसकी, P की, राइट। तो यहाँ से तो देखो हो ही नहीं रहा, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि P और Q तो एकदम ही रिवर्स रिलेशन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें B ऑप्शन, तो B क्या है, P प्लस S मल्टीप्लाई N, तो P प्लस, प्लस मतलब P कौन है, मदर है किसकी, N की, तो P इज द मदर ऑफ N। N प्लस M, N कौन है, N किसकी मदर है, अच्छा एन सॉरी पी इज द मदर ऑफ एस, एस की मदर है, और एस मल्टीप्लाई एन, एस कौन है सन, एस कौन है सन है किसका, एन का, सॉरी एस कौन है सिस्टर है किसकी, एन की, ठीक है, तो एस एन की सिस्टर है ना। अब क्या दिया हुआ है आगे, एस मल्टीप्लाई एन माइनस क्यू, तो एन माइनस क्यू मतलब एन कौन है, ब्रदर है किसका, क्यू का, तो ये यहाँ से भी मदर सिस्टर का कुछ बैठ ही नहीं रहा, Q तो मैटरनल अंकल हुआ ही नहीं, P तो मैटरनल अंकल हुआ ही नहीं Q का, तो यहाँ से भी ये नहीं हुआ सिस्टम, तो ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। C वाले के ऑप्शन पे जाते हैं, P माइनस M, तो P कौन है, ब्रदर है किसका, N का है ना, M का सॉरी है ना, P ब्रदर है M का, M प्लस N, तो M प्लस M मदर है किसकी, N की, N मल्टीप्लाई क्यू, एन कौन है सिस्टर है किसकी, क्यू की, अब यहां से देखो पी क्या है, मेटरनल अंकल निकल रहा है क्यू का, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो इस तरह से आपको फैमिली ट्री बना बना के देखना पड़ेगा, सो बहुत ईजी है, जनरेशन वाइज लिखते जाओ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, थर्ड क्वेश्चन में ए ब्रदर है बी का, बी, B इज द सिस्टर ऑफ C, B सिस्टर है C की, C इज द फादर ऑफ D, C फादर है किसका, D का, हाउ इज D रिलेटेड टू A, तो D, अब D का जेंडर हमको पता नहीं, तो या तो नेफ्यू होगा नीस होगा, तो ऑप्शन देखते हैं,
तो नेफ्यू का ऑप्शन है, नीस का नहीं दिया हुआ, तो नीस भी हो सकता है, तो हम श्योर नहीं कि नेफ्यू होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जब हम श्योर नहीं होंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो प्लस, वही प्लस मीन्स ब्रदर, प्लस का मतलब है ब्रदर, माइनस का मतलब है सिस्टर, और मल्टीप्लाई का मतलब है, मल्टीप्लाई मीन्स फादर, फादर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम, सी कौन होगा, एम का सन होगा, सी एम का सन होगा, एम के बारे में कोई जेंडर नहीं पता, एम मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, पर सी कौन होगा, सन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं, ए, अब देखो ए ऑप्शन क्या है, एम माइनस एन मल्टीप्लाई सी, तो एम माइनस मीन्स एम सिस्टर है किसकी, एन की, एन फादर है किसका, सी का, सी प्लस एफ, प्लस मतलब सी ब्रदर है किसका, एफ का, तो यहाँ से तो रिवर्स हो गया रिलेशन, बैठा ही नहीं, क्योंकि एम को तो हमको, सी तो कौन होना चाहिए, सन होना चाहिए एम का, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। सेकंड बी ऑप्शन पे आए, एफ माइनस सी प्लस एन, तो एफ सिस्टर है किसकी, सी की, सी ब्रदर है किसका, एन का, अब देखो सी और एन का ब्रदर है, और एन मल्टीप्लाई एम, एन कौन है, फादर है किसका, एम का, तो ये केस ही रिवर्स हो गया, हमको तो सी को नीचे चाहिए, एम को ऊपर चाहिए, तो ये यहाँ से ये वाला भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट सी ऑप्शन पे आए, एन प्लस एम माइनस एफ, तो एन प्लस मतलब एन ब्रदर है किसका, एम का, एम माइनस एफ, एम सिस्टर है किसकी, एफ की, और एफ मल्टीप्लाई सी, तो एफ फादर है किसका, फादर, ये एफ फादर है, तो स्क्वायर में एफ फादर है किसका, सी का, तो यहाँ से भी एम का तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो ब्रदर सिस्टर हो गए। तो अब डी ऑप्शन, ऑप्शन केवल डी बच रहा है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, चाहो तो इसको फैमिली ट्री बना के देख लो, अदरवाइज ये हमारा सही ऑप्शन है, जब तीन ऑप्शन नहीं बैठ रहे तो सही हो, डी वाला जो बच गया वो ऑप्शन सही है। एक और लास्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं, बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इस पर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड, एक बॉय की तरफ मिलाते हुए, बॉय से मिलाते हुए एक लड़की बोलती है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर, ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, तो लड़की के अंकल है ना, अंकल मतलब पापा के ब्रदर हो सकते हैं, तो लड़की के अंकल के फादर, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, इसके भी फादर की डॉटर, इनकी डॉटर का सन है ये। अब देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में लड़का लड़की कौन होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, तो हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, हम सीधे सीधे कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्रदर, ही इज द ब्रदर ऑफ दिस गर्ल। तो इस तरह से हम लोगों को फैमिली ट्री बना के इस चैप्टर को सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपने सही फैमिली ट्री बना लिया और समझ गए क्वेश्चन को। तो थैंक यू ऑल, होप टू सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।